तो ये इब्तेसाम है, हमारे जुनैद जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो लास्ट रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का बाईपीसी स्ट्रीम के, बाईपीसी का जो टोटल परसेंट रहता है वो 440 मार्क्स का रहता, और 440 मार्क्स से आपको मालूम इब्तेसाम को मार्क्स कितने हैं, कितने हैं बेटे इब्तेसाम बोलो ज़रा? 430 मार्क्स, यानी कि 440 मार्क्स में से 430 स्कोर करें, कितने अच्छे मार्क्स हैं इनके, यानी कि पेरेंट्स ड्रीम करते कि हमारी बच्ची जो है इतने अच्छे, हमारा बच्चा इतने अच्छे नंबर लाना, जो 12-13 साल से मेहनत करते पेरेंट्स माँ बाप, वो उसका जो 100% रिजल्ट जो देते ऐसे बच्चे देते, जो 430 नंबर आना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत मेहनत है इब्तेसाम की। इब्तेसाम मैं सिलेबस में अगर कुछ भूल भी जाता तो इब्तेसाम उसको पॉइंट करके याद करके लाके सर ये नहीं हुआ अपना, तो अरे हाँ इब्तेसाम वो करा देंगे, सेकेंड बेंच पर बैठते थे खामोश और पढ़ाई पे अपना फोकस, टेस्टों में जबरदस्त पूरे साल भर के मार्क्स अच्छे लेके आए, दुआओं में थे। अब इब्तेसाम से एक दो सवाल, इब्तेसाम पहली बात तो ये कॉलेज कहीं को ऑप्ट करें, आपके सराउंडिंग में कई कॉलेजेस थे बट ये कॉलेज में क्यों आए, और दूसरी बात ये कॉलेज में आने से आपको कैसी जर्नी रही, फिजिक्स की कैसी जर्नी रही, केमिस्ट्री की कैसी जर्नी रही, बॉटनी जूलॉजी ये सब कैसा लगा, आप एक बोलिए माँ। सर यहाँ पर आने के रीज़न मेरा इसलिए था कि मेरे को नीट क्रैक करने का है, तो आप लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इवन गूगल पे भी देखे तो आप लोगों की पढ़ाई ये वो अच्छी है, बल्कि नीट के वास्ते एमसेट के लिए अच्छी है, मेरे को नीट क्रैक करने का है, डॉक्टर बनना है मेरे को, तो मैं फुल कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और सेकंड क्वेश्चन का पूछा की जर्नी कैसी थी, मैं आप ज्वाइन हो गए नीट का प्रिपरेशन करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए, तो यहाँ की जर्नी कैसी थी, कैसा फिजिक्स हुआ आपका, कैसा केमिस्ट्री हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह जूलॉजी बॉटनी भी अच्छा है, जर्नी बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो इब्तेसाम जज़ाकअल्लाह, आप जो है फिजिक्स में अच्छा स्कोर करे, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करे, सब में आपकी जर्नी बड़ी ज़बरदस्त थी। 430 नॉट अ जोक बच्चों, 430 मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाते, बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से मार्क्स आते, लेकिन इब्तेसाम जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई बेटे, अब हमारा असल इम्तिहान शुरू हुआ, अब आपका सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है, कंपटीशन बड़ा करीब है, हालांकि सिक्स्थ ग्रेड से इसका फाउंडेशन दे लेते नीट क्रैक करने के लिए, सिक्स्थ सेवन्थ एट, मगर मैं हूँ ना, मैं सब दे देता हूँ, ऐसा के वो फाउंडेशन वाले क्रैक नहीं करेंगे, लेकिन मेरा वादा है फिर मैं इंशाल्लाह एक दिन वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट ईयर इब्तेसाम के नीट के साथ, इब्तेसाम की यानी कि डॉक्टरी के ड्रीम को पूरा करते हुए, और उसके लिए कड़ी मेहनत इब्तेसाम की भी है रहना और मेरी भी, हम लोग इंशाल्लाह, मैं तो बिल्कुल ईगरली वेट कर रहा हूँ कि कब हम फिज़िक्स के ज़बरदस्त प्रॉब्लम करेंगे, कब हम लोग केमिस्ट्री के पूरी ऑर्गेनिक में, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री सारे चीज़ों में एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप भी कर रहे हैं ना? यस सर, पक्का सर, पक्का सर, तो ईगरली वेट कर रहे हैं हम लोग आके, जल्द से जल्द अब हमारा 2-4 दिन में अकेडमी शुरू होने वाला है और बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है इब्तेसाम के साथ इंशाल्लाह, तो थैंक यू इब्तेसाम।